कुरहन्नी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। सरकार और विपक्ष दोनों ही कुरहन्नी में उतर चुके हैं। दोनों के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमारे साथ कुछ जनता है कुरहन्नी की, हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है कुरहन्नी का मिजाज, क्या स्थिति है कुरहन्नी की। हाँ हेलो, हम राकेश सिंह बोल रहे हैं। वो कुरहन्नी प्रखंड जो हुआ वो बराबर हम लोग सुराज ट्रैक्टर से लीन है, जो कई एक प्रखंड हम लोगों को जाना पड़ता है। तो जैसे वहाँ का जनता का माहौल है वह हिसाब से केदार गुप्ता ही जीत करके रहेगा, जैसे मैं पब्लिक लोगों का कहने का मतलब ये है। अच्छा ठीक है, हम और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या है कुरहन्नी का मिजाज? कुरहन्नी में बीजेपी ही आगे है अभी तक। अच्छा जी, चूँकि मनोज विकांत के हैं, ओवैसी की पार्टी आई हुई है और नीलाब कुमार उतरे हुए हैं, कितना असर आ पाएगा? केदार गुप्ता के पीछे ही है कोई भी अभी। केदार जी अच्छा ठीक है, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या रहेगा कुरहन्नी का मिजाज, चूँकि मुकेश शाह ने भी अपना कैंडिडेट उतार चुके हैं और इधर केदार जी और मनोज जी, क्या स्थिति है कुरहन्नी की? हम जिस वर्ग से आते हैं अभी हमारे वोट में संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग स्वजातीय नीलाभ कुमार के पक्ष में हैं और कुछ लोग केदार गुप्ता जी के पक्ष में हैं। आखिर केदार जी के बारे में कई जगहों से सूचना आ रही है कि केदार जी का पक्ष लोग मजबूती से पलड़ा भारी है। केदार जी का पलड़ा अभी भारी है। पार्टी या उनका व्यक्तिगत व्यवहार? नहीं नहीं, पार्टी के कारण और ऐसे व्यवहारिक भी हैं। और कुछ लोग हैं, युवा हैं, क्या रहेगा कुरहन्नी का मिजाज? आ रहे हैं बीजेपी। बीजेपी केदार प्रसाद और हमारे साथ हैं कुरहन्नी के वोटर हैं, युवा हैं, क्या कहते हैं कुरहन्नी का मिजाज, क्या रहेगा यहाँ का स्थिति? बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी की जीत जी। अच्छा, अभी तक की जो स्थिति है जी, उसमें तो क्या लगता है कि भूमिहार से प्रत्याशी आए हैं नीलाभ कुमार, उनका कुछ असर होगा क्या? असर तो होगा ही। असर होगा, बिल्कुल असर होगा। बट केदार गुप्ता निकल जाएंगे क्योंकि वो भाजपा से हैं। और तो अभी हम जान रहे थे इन युवाओं की राय, जहां हम हैं ये काजिंडा चौक है, लगभग यहीं से कुरहन्नी शुरू की शुरुआत होती है, बगल के गांव हैं वहीं से कुरहन्नी की शुरुआत होती है। और अब देखना है कि 8 तारीख को किसके पक्ष में रिजल्ट आता है। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर।